अनोखा दिन है क्योंकि अनोखा गठबंधन होने जा रहा है यहाँ पर, और मैं आई हूँ लड़की की तरफ से, तो मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा मस्ती होने वाली है, बहुत नाच गाना। अठारह शादियाँ कर चुकी हूँ मैं टोटल, मुझे नहीं करनी और नहीं। मेरा तो शादी वोट सुन के ऐसे भागने का मन करता है, और ये दिमाग में आता है कि यार ये किसकी वाट लग गई। सो यहाँ पे ये लाइक आई सेड अनोखा गठबंधन है, तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, और मैं जानना चाहती हूँ कि ये हुआ कैसे, क्यों, क्या होगा, लॉट ऑफ क्वेश्चंस आया। इस जोड़ी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, एक पुलिस है तो एक डॉन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि मुझे भी देखना है कि ये इनका कभी कुछ लव स्टोरी टाइप कुछ होगा भी या नहीं, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट ही आता रहेगा इनकी लाइफ में, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी इनकी लाइफ में आगे क्या होता है। राइट, आपने भी जैसे आपने कहा कि बहुत सारी शादियां की है, आपका एक्सपीरियंस कुछ शेयर करना चाहेंगे उनके साथ, तो वो क्या होगी और क्या टिप्स देना चाहेंगे दोनों को? बस कॉन्फ्लिक्ट जो आएंगे ना उन्हें आप सॉल्व करने की कोशिश करना, क्योंकि वो जो ड्रामा होगा ना वो हमें देखने में बहुत मजा आएगा, सो कीप डूइंग दैट। अभी ऐसे के साथ में खतरों के खिलाड़ी भी चल रहे हैं, यस, देख रहे हैं, मतलब तो क्या मतलब चला चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस था उसका? और बहुत ही जी मैं आई वाज ट्रैवलिंग दैट टाइम, बट हां खतरों के खिलाड़ी बहुत ही अलग जर्नी रही है, क्योंकि लाइफ में मैंने या किसी और ने भी, हम जितने भी लोग थे वहाँ पे, किसी और ने भी ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया था लाइफ में, तो ये बहुत ही स्पेशल रहेगा और बहुत ही क्लोज टू माय हार्ट है, सो ऑफ कोर्स बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे खतरों का। अगर बात करी जाए अगर तो जिस खतरों के खिलाड़ी की बहुत ज़्यादा एक मतलब एक अलग ही तरीके का जो शो है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था उसका? बहुत मज़ा भी आया, बिकॉज़ हर दिन आप एक क्वेश्चन मार्क के साथ उठते हो कि आज क्या होने वाला है, आज क्या करवाएंगे, तो वो जो एंजाइटी होती है ना वो बहुत अच्छी वाली फीलिंग होती है। और मुझे याद है वहाँ पे हम सब जब भी किसी लोकेशन पे पहुँचते थे, हम सब सोचना शुरू करते थे कि आज होने क्या वाला है, आज क्या करवाने वाले, पानी तो नज़र नहीं आ रहा, पानी तो नहीं होगा, कुछ और हो सकता है। सो वो जो पूरी एक्साइटमेंट थी हम सब की, आई थिंक उसकी वजह से ये शो करने में मुझे ज़्यादा मज़ा आया। सबसे डिफ़िकल्ट टास्क कौन सा था? मेरा पहला स्टंट मैं कहूँगी सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि वो बहुत सारे 5 कीड़े थे मेरे साथ, और 5 तरह के कीड़े थे और बहुत सारे थे, और उसके तुरंत बाद मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा था, तो आई थिंक वो सबसे सबसे डेंजरस था मेरे लिए। बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई जी, जिन्होंने पूछा कि सरप्राइज पैकेज अगर आप तो किसको मानती हैं कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया हो, जो आपने बहुत ज़्यादा अच्छा करा, तो कई लोगों ने आपका नाम लिया, आप किसके नाम दे रखे? आई एम श्योर ऐसा भी हुआ है, बट आई थिंक मेरे लिए आई ऑलवेज न्यू जैस्मिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे ये भी पता था कि जैस्मिन कुछ भी कर लेगी, बट उन्हें करता हुआ देखना मेरे लिए शॉकिंग था कि ये सच में कर गई, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल था, क्योंकि जैस्मिन इज़ वेरी क्लोज टू मी एंड शी रियली मेड मी फील वेरी प्राउड ऑफ हर। एंड रही बात बाकी लोगों की, तो पुनीत का तो मुझे कॉन्फिडेंस था ये तो कर लेगा कुछ भी, तो आई वॉज टू श्योर अबाउट मोस्ट ऑफ देम, बट भारती अगेन ये सबको शॉक लगने वाला है जो भारती ने किया है उसके बाद, तो आई एम रियली वेरी हैप्पी विद व्हाट भारती एंड स्पेशली जैस्मिन। ऐसा कोई फियर था जो आपने ओवरकम किया? वो कॉकरोचेस, मेरा और कोई फियर नहीं था, ना मुझे पानी, ना हाइट, मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता, मुझे कॉकरोचेस का फोबिया इतना बुरा था कि मैं आधी आधी रात को सपने में अगर कॉकरोच आ जाता था ना मैं डर के उठ जाती थी, रोने लगती थी, मुझे इतना डर लगता था कॉकरोचेस से। और मेरे पहले स्टंट में मुझे कॉकरोचेस मिले, तो अब तो मैं उनके साथ लिटरली खेल सकती हूँ। ओके, कोई टिप्स मिली थी किसी ने? कोई टिप्स दिया आपको खतरों के खिलाड़ी में जाने के बाद, यार ऐसा करना, ऐसा करना, किस तरह से? मुझे सिर्फ आई रिमेम्बर मैं रश्मि देसाई को एक बार मिली थी, और उन्होंने एक सीज़न किया था, उन्होंने मुझे कहा था कि देख तू जो भी सोच के जा रही है ना कुछ नहीं होने वाला, वैसा वहाँ जाके पता चलेगा क्या करना है। ओके, तो इसलिए मैंने उसके बाद से टिप्स लेना ही छोड़ दिया, क्योंकि कुछ काम नहीं आया, वहाँ जाके शॉक ही मिलता था। ओके, सबसे ज़्यादा डेंजर का टास्क की अगर बात करिए तो कौन सा टास्क था? और लास्ट भी रोहित शेट्टी भी थे साथ में, तो उनके साथ में काम करने का एक्सपीरियंस? रोहित शेट्टी हम सबके लिए इंस्पिरेशन है, वो बहुत अच्छा काम करते हैं वो, और उनसे मिलने की चाहत तो सबको होती है, और हमें मौका मिला कि हम इतने दिन उनके साथ रहे, और उनका जो सबसे स्पेशल चीज़ है जो है स्टंट्स, जो उन्हें बहुत पसंद है, वो बहुत दिल से करवाते हैं स्टंट्स, और जो सपोर्ट और जो एनकरेजमेंट उन्होंने दिया है आई थिंक वैसा और कोई नहीं कर सकता, सो दैट्स द रीज़न आई थिंक रोहित शेट्टी इज़ रोहित शेट्टी।
अभी का लास्टली आपसे जानना चाहूँगा कि रोहित शेट्टी सर जो है विकास गुप्ता पे गुस्सा हो गए थे, उस इंसिडेंट के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा था उस बारे में। वो इंसिडेंट भी किया था। हाँ, वो इंसिडेंट आई थिंक सबके पर्सपेक्टिव अलग होते हैं। विकास ने ऑब्वियसली जो किया वो किसी और को बचाने के लिए किया, सैक्रिफाइस इन अ वे किया। और रोहित शेट्टी का कहना सिंपली यही था कि ये एक गेम शो है, यू नीड टू प्ले, सिंपल एज दैट। सो आई वुडंट से आई अग्री टू हिम और नॉट अग्री और एनी ऑफ दैट, बट दोनों का पर्सपेक्टिव बिल्कुल सही था एंड आई वाज राइट देयर, मैंने देखा क्या हुआ। सो मुझे तो दोनों ठीक ही लगे थे। ओके, लास्टली शो को क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे अपनी तरफ से? ओह, ये अनोखा गठबंधन होने जा रहा है, बहुत स्पेशल है ये, इतनी अनोखी शादी तो मैंने लिटरली कहीं नहीं देखी। सो देखने में तो मुझे बहुत मज़ा आने वाला है, आई एम श्योर आप लोगों को भी ये कॉन्फ्लिक्ट और ये ड्रामा देखने में बहुत मज़ा आया। मैं रघु की तरफ से हूँ, लड़के की तरफ से हूँ, तो आई एम रियली एक्साइटेड, बहुत अच्छा लग रहा है। शादियों में बहुत कम जाता हूँ, मगर रघु की शादी तो आना पड़ा, रघु के लिए कुछ भी करूँगा। शादी के नाम सुनते ही मेरी वाइफ की याद आती है, और वाइफ की नाम आती है क्योंकि मेरे लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन वही था, मेरी शादी। मैं कभी सोचा नहीं था शादी करूँगा, क्योंकि जैसे लाइफस्टाइल थे हमारे, तो फिलहाल मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन वही है जो भुवनेश्वरी जी से मैंने शादी किया। तो आई थिंक शादी के वो सुनते ही ऑब्वियसली वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह याद आती है, और हमारी शादी बहुत धूमधाम से मनाया था कोची में। हर जगह पर बारात लड़के लेके जाते हैं, मगर इस बार पूरी जयपुर और पूरी भोपाल जा रहे सारे कोची आके मेरा शादी हुआ था, तो वही याद आती है। शादीशुदा है, एक ही टिप देना चाहता हूँ कि कौन सा बेस्ट टिप होगा, अभी मैं कैसे बोलूँगा, इतनी पब्लिक प्लेटफॉर्म में क्या बोल सकता हूँ मैं, इतना बोलूँगा लव इच अदर, और कभी भी गलती से भी झूठ मत बोलना, क्योंकि आजकल सोशल सेट इतना है कि हर जगह पे, जैसे बिग बॉस घर पे मैंने ये सीखा था कि ऊपर वाला सब देख रहा है। श्री, वैसे भी हमने आपको देखा हुआ है बिग बॉस में, मतलब आपका पूरा सब देख रहे हैं, यहाँ पर भी आप जो गठबंधन में जो लड़कों के साथ आप बारात लेके आ रहे हो, तो डॉन का साथ दे रहे हो आप भाग्यस के बदले? अरे डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, तो रघु का दोस्त हूँ तो मैं उसका साथ दूंगा, आईपीएस हो या जो कोई भी हो। शायद मैंने भी अभी 2-3 दिन पहले एक अपलोड किया था मेरे इंस्टा में यही अपलोड किया था डॉन का, मुझे भी बहुत कुछ बोलना है, तो डॉन है भाई, अपना दोस्त इतना अच्छा डॉन है, तो उसका साथ दूंगा, आईपीएस तो हमेशा हमारे साथ ही। क्योंकि खतरों के खिलाड़ी में जो भी पार्टिसिपेट किया वो उन सबको ग्रुप में भेज दिया था, मुझे और रवि का थोड़ा स्पेशल है, तो कलश और एंडोमोल ने बहुत स्पेशल करके मुझे लास्ट में भेजा है, तो अच्छा लग रहा है। आप सब उन सबको एक साथ लिया, अभी हमारा सिर्फ अकेले ले रहे हो तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो खतरों के खिलाड़ी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आई थिंक मेरे लिए एक बहुत कठिन स्टेप भी था, क्योंकि मुझे हाइट से फियर है, डार्कनेस से डर लगता था, बहुत कुछ से डर लगता था, मगर थैंक्स टू खतरनाक खिलाड़ी एंड थैंक्स टू रोहित भाई बड़ा इंकरेज किया वो पूरी सेट में, एंड थैंक्स टू कलर्स एंड एंडमोल दैट इतना अच्छा एक मौका मिला, जिधर इस हफ्ते सैटरडे को प्लीज़ मिस मत करना, बहुत ही अच्छे स्टंट्स वगैरह आ रहे हैं। मैं आजकल टीवी और न्यूज़पेपर बहुत कम पढ़ता हूँ, अभी 15 दिन में सिर्फ बिग बॉस के रिप्ले देखते रहता हूँ, तो सॉरी यार मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसका डिसीजन भी हुआ है लग रहा है, तो बीसीसीआई बड़े जल्दी डिसीजन ले लेते, तो मुझे जो भी डिसीजन लिया वेल डन। लेकिन एज अ क्रिकेटर, जो है क्रिकेटर पूरी इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको लगता है कि ये मतलब सही था जो हार्दिक ने बोला? मैं इतना बोलना चाहूँगा, रघु की शादी है तो मैं वेट कर रहा हूँ परफॉर्मेंस करने के लिए, आप सब वो एंजॉय करना, और खतरों के खिलाड़ी में बहुत अच्छा ये मिला, तो शायद वो दोनों अगर जो भी है उनको खतरों के खिलाड़ी में भेजो, या फिर बिग बॉस के घर पर भेजो उन दोनों को अगले साल, मैं बोल रहा हूँ बहुत अच्छा हो जाएंगे। अच्छा, खतरों के खिलाड़ी की अगर बात करें, ऐसा कौन सा फियर है जो आपने ओवरकम किया, अगर कुछ बताया उस बारे में? मेरे लिए फियर ऑफ हाइट्स थे, फियर ऑफ डार्कनेस, फियर ऑफ क्रीचर्स, सब कुछ थे यार, पूरे खतरों के खिलाड़ी फियर थे मेरे, मगर डरना मना है और डर के आगे जीत है। अच्छा, गठबंधन की जोड़ी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, एक आईपीएस है तो एक डॉन है, इस जोड़ी के बारे में? बहुत ही यार मैं इतना बोलना चाहूँगा, बहुत ही अच्छा एक जोड़ी है, क्योंकि यू विल गेट टू सी अ लॉट ऑफ डिफरेंट, आई मीन ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, जैसे हमारे लाइफ में भी ऐसा ही है कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, तो
I wish both the groom and the beautiful girl the very best, IPS and the Don. So Don ke saath aaya hu, dekhte hain unke taraf se kaun kaun aaye. Thank you very much.